आज कहानी एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से हिंदी फिल्मों के हजारों गानों को अमर कर दिया, जिनका नाम था मनोहरी सिंह। प्यार से लोग इन्हें मनोहरी दादा भी बुलाते थे। पहले दिन से लेकर आखिरी गाने तक जिसने साथ दिया वो ये है। 1960 से लेकर अगले चार दशकों तक उनके फिल्मी सफर में हजारों गाने ऐसे मिलेंगे जिनमें इन्होंने कभी बांसुरी बजाई तो किसी में मैंडोलिन, किसी में शहनाई तो किसी में ट्रम्पेट। सेक्सोफोन का सरताज मनोहरी दादा, इस इंस्ट्रूमेंट को वो जादुई अंदाज में बजाते थे जिसने सैकड़ों गानों को अमर सौगात बना दिया। पर अफसोस, इन्हें कितने लोग जानते हैं। दरअसल मनोहरी के पिता भी सेक्सोफोन बजाते थे, सो ये भी इसी साज से दिल लगा बैठे। और दिल लगाया भी ऐसा कि अस्थमा के मर्ज के बावजूद इसे जिंदगी भर फूंक फूंक कर जमाने भर में इसकी सुगंध फैलाते रहे। मगर अफसोस, वो बेमिसाल कलाकार जिनके सेक्सोफोन की धुन सदियों तक दिलो दिमाग को सुकून देगी, उनका तो दुनिया से तारुफ ही नहीं हुआ। वो फनकार सदा संगीत के गुलशन को अपनी धुनों से रोशन करता रहा और खुद गुमनामी के बेजार अंधेरे में बैठे बैठे इस दुनिया से चला गया। फिल्मी दुनिया की अजीब रवायत और रस्म ही यही है, जहां हीरो हीरोइन, गीतकार, संगीतकार और गायक को तो लोग याद करते हैं, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी तमाम म्यूजिशियंस का नाम आगे नहीं आने दिया जाता, उन्हें पहचान नहीं मिलती। ऐसे ही लाखों हजारों गीतों में जादू पैदा करने वालों में एक जादूगर मनोहरी सिंह भी थे, जिन्होंने अपनी स्टील की बांसुरी, सेक्सोफोन और मैंडोलिन के जरिए हिंदी सिने संगीत में अनगिनत रंग भरे हैं। मनोहरी दादा का सेक्सोफोन की धुन गानों की पंक्तियों में शब्द दर शब्द परछाई बनकर रूह तक अदायगी कर दिल में उतर जाती है। सांसों पर उनका अद्भुत नियंत्रण था। इसकी एक मिसाल देखिए, फिल्म थी आरजू और गाना बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। जिस समय मनोहरी सिंह बंबई पहुंचे, उस समय सबसे मशहूर सेक्सोफोनिस्ट थे राम सिंह, जिन्होंने अनिल बिस्वास के साथ काम करते हुए शुद्ध हिंदुस्तानी गीतों में सेक्सोफोन को बजाने की एक अगजब की शैली विकसित की थी। कहा जाता है कि उनके निधन के बाद फिल्मों में ऑल्टो सेक्सोफोन का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया था, क्योंकि कोई भी उनके जैसा वादक इंडस्ट्री में नहीं था। लेकिन मनोहरी सिंह ही थे जिन्होंने न सिर्फ उस गैप को भरा बल्कि ऑल्टो सेक्सोफोन को जिंदा कर दिया। ओपी नैयर को बेहद सख्त और परफेक्शनिस्ट संगीतकार के तौर पर जाना जाता है। मनोहरी सिंह ने पहली बार नैयर के साथ फिल्म कश्मीर की कली में काम किया। फिल्म के गाने है दुनिया उसी की जमाना उसी का, इसमें मनोहरी सिंह ने सेक्सोफोन बजाया। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो ओपी नैयर उनकी अद्भुत प्रतिभा देखकर दंग रह गए। इस गाने में मनोहर दा के सेक्सोफोन और मोहम्मद रफी की गायकी के बीच गजब की जुगलबंदी देखने को मिलती है। मनोहरी दा का सेक्सोफोन जहां छोड़ता है वहां से रफी साहब पकड़ते हैं। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद ओपी नैयर इतने खुश हुए कि उन्होंने मनोहरी सिंह को 100 रुपए का नोट देकर कहा, हैव विस्की। आगे चलकर ओपी नैयर इनके इस कदर मुरीद हो गए कि एक समारोह में उन्होंने एक हाथ मनोहरी सिंह के कंधे पर रखा और दूसरा केर्सी लॉर्ड के, और सबके सामने कहा, दीज आर माई ऑर्नामेंट्स, यानी ये मेरे रत्न हैं। सेक्सोफोन को विदेशी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, लेकिन मनोहरी ने इसमें ऐसी देसी सुगंध मिला दी जिससे हिंदी सिनेमा का संगीत महक उठा। अस्थमा के बावजूद सांसों पर उनकी अद्भुत पकड़ करीब 80 साल तक की उम्र तक रही। संगीत के साज उनके लिए
कितने प्रिय थे, अब इसकी मिसाल देखिए। अपने जीवन के आखिरी 3 सालों तक वो डायलिसिस पर थे, पर कमाल ये था कि डायलिसिस से गुजरने के बाद घंटों वो सैक्सोफोन बजाते थे। पुराने जमाने की राजेंद्र कुमार और साधना की सुपरहिट फिल्म आरजू को याद करिए। इसके एक गाने का जादू बरसों बाद आज भी लोगों के सिर चढ़ कर बोलता है, बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। इस गाने का नाम आते ही खुद ब खुद उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज जहन में गूंज उठती है जो पतझड़ के मौसम में सूनी वादियों के विस्तार में नायिका की तड़प को साकार कर देता है। देवानंद की क्लासिक फिल्म गाइड का किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गाना गाता रहे मेरा दिल और देव साहब की ही फिल्म माया के गाने जारे जा उड़ जा रे पंछी, इसमें मनोहरी ने अपने सैक्सोफोन के जरिए संगीतकार सलील चौधरी के निर्देशन में बेहतरीन ढंग से सजाया। यूं तो उन्हें सैक्सोफोन के लिए जाना जाता है, मगर उन्हें कई विंड इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल थी। बांसुरी, शहनाई, मेंडोलिन, पिकोलो बहुत शानदार बजाते थे। इसके अलावा वो सीटी भी बेहतरीन बजाते थे। फिल्म कटी पतंग के गाने ये शाम मस्तानी की शुरुआत में की गई विस्लिंग भी उन्हीं का कमाल है। कौन थे मनोहरी सिंह, कैसा रहा उनका सफर, आखिर क्यों बड़े बड़े संगीतकार उनकी इतनी इज्जत करते थे, उनके शोज में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती थी, और वो कौन सा दर्द लिए मनोहरी दादा इस दुनिया से चले गए, जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताऊंगी कि आशा भोसले के दुबई रेस्टोरेंट में आज भी क्यों परोसी जाती है मनोहरी सिंह के नाम की डिश। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं मनोहरी दादा का इतना अद्भुत, संजीदा और आगे चलकर संगीतकार बनने का सफर। मार्च 1931 को जन्मे मनोहरी सिंह नेपाली मूल से थे। 1941 में उनके दादा नेपाल से आकर कलकत्ता में बस गए थे। वो ट्रम्पेट प्लेयर के तौर पर ब्रिटिश फौज की बैंड के सदस्य के रूप में यहाँ लाए गए थे। थोड़े अरसे बाद मनोहरी के पिता भीम बहादुर सिंह भी यहीं आ गए और कलकत्ता में ही पुलिस बैंड में बतौर बैगपाइप और क्लैरिनेट वादक नौकरी करने लगे। उनके मामा भी क्लैरिनेट बजाते थे। उनके चाचा और मामा उस समय के कोलकाता के बाटा नगर की बाटा शू कंपनी के ब्रास बैंड में हिस्सेदारी किया करते थे। इस तरह परिवार में संगीत की एक पूरी विरासत थी जो मनोहरी को इस क्षेत्र में ले आई। इनके पिता घर पर शौक से फ्लूट और सैक्सोफोन बजाते थे, सो मनोहरी भी इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स पर रियाज करने लगे। करीब 1 साल बाद उन्होंने मैंडोलिन भी सीखा। इन सभी वाद्यों पर इन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 14 साल की उम्र में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला। इनके चाचा ने बाटा शू कंपनी के ब्रास ब्रांड के संचालक जोसेफ न्यूमैन से मनोहरी को मिलवाया था और 1942 में 3 रुपए हफ्ते की तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। 1945 में जोसेफ न्यूमैन ने HMV ज्वाइन किया तो ये भी उनके साथ वहाँ चले गए। कलकत्ता में संगीत का एक ऐसा दौर था कि यहाँ के होटल्स और नाइट क्लब्स में बड़े नामी कलाकार काम कर रहे थे। मनोहरी भी कलकत्ता सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़े रहने के अलावा एक नाइट क्लब फिरपो के साथ 1958 तक काम करते रहे। ये वो समय था जब संगीतकार नौशाद ने मनोहरी और उनके साथ बासु चक्रवर्ती को एक कार्यक्रम में बजाते देखा और संगीतकार सलील चौधरी को सलाह दी कि इन दोनों कलाकारों को बंबई ले आएं। वो दौर कलकत्ता के म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं था। आजादी के बाद कोलकाता के नाइट क्लब्स का परिदृश्य काफी हद तक बदल गया था। वहां आने वाले लोगों को एक बड़ा सर्कल यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस का था, जिनमें से ज्यादातर देश छोड़कर चले गए थे। जोसेफ न्यूमैन भी 1952 में ऑस्ट्रेलिया चले गए। कलकत्ता का सिनेमा भी काफी हद तक प्रभावित हुआ और वहां से भी काफी लोग बंबई चले गए।
इसीलिए 1958 में मनोहरी सिंह सलील चौधरी के कहने पर बंबई चले आए। सलील दा के पास उस समय बहुत काम ना था, सो उन्होंने संगीतकार एस डी बर्मन से मिलवाया। बर्मन दा ने 1958 में उन्हें पहला मौका दिया फिल्म सितारों से आगे में। बर्मन दा से पहली मुलाकात के समय ही मनोहरी दा की उनके बेटे आर डी बर्मन से भी मुलाकात हो गई। एस डी बर्मन के साथ काम करते हुए बॉम्बे लैब में उनकी दोस्ती पंचम, जयदेव और लक्ष्मीकांत से हो गई। लक्ष्मीकांत उस समय बतौर साजिंदा मैंडोलिन बजाते थे और जयदेव बर्मनदा के सहायक थे। इन लोगों से मनोहरी की दोस्ती और मोहब्बत का जो रिश्ता बना वो ताउम्र बना रहा। खासकर आर डी बर्मन के साथ उनकी गजब की ट्यूनिंग हुई, जो फिल्म छोटे नवाब से लेकर पंचम की आखिरी चर्चित फिल्म 1942 अ लव स्टोरी तक चला। आगे चलकर मनोहरी दादा आर डी बर्मन के दाहिने हाथ माने जाते थे। दोनों में कमाल की ट्यूनिंग थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। '58 की ही फिल्म मधुमती के बैकग्राउंड म्यूजिक में भी उनकी बांसुरी सुनाई दी, मगर कोई खास पहचान या काम नहीं बना था। एक बार एस डी बर्मन ने लक्ष्मीकांत से मनोहरी को काम दिलाने के लिए कहा। अगले दिन लक्ष्मीकांत ने मनोहरी को मैंडोलिन के साथ नवकेतन आने को कहा। यहाँ एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। यहाँ मनोहरी ने पहली बार लक्ष्मीकांत के साथ मैंडोलिन बजाया। वो गाना था काला पानी फिल्म का अच्छा जी मैं हारी। फिल्म काला बाजार के गाने सच हुए सपने तेरे में उन्होंने सैक्सोफोन बजाया, मगर वो उतना उभर कर नहीं आया क्योंकि उसमें सैक्सोफोन के अलावा शहनाई और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का मिश्रण था। लेकिन इस दौर में उन्होंने की फ्लूट बजाना जारी रखा। उनका बजाया पहला सोलो सैक्सोफोन पीस सुनाई दिया फिल्म लाजवंती के गाने में, जिसके बोल हैं गा मेरे मन गा। लेकिन उन्हें असल पहचान मिली ये गाना था याद किया दिल ने कहां हो तुम। याद किया दिल ने कहां हो तुम। इस गाने में पहली बार प्यारेलाल ने म्यूजिक अरेंजमेंट किया था। उस समय वो और लक्ष्मीकांत कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट हुआ करते थे। ये गुलशन बावरा की भी पहली कामयाब फिल्म थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले दादर के श्री साई स्टूडियो में रिहर्सल होनी थी। मनोहरी सिंह के अलावा 3 और सैक्सोफोन प्लेयर वहाँ मौजूद थे। रिहर्सल हुई तो कल्याण जी ने कहा कि कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर अकेले मनोहरी सिंह को सैक्सोफोन बजाने के लिए कहा गया। फिर तो ऐसा हुआ कि इस गाने के गायक हेमंत कुमार इस गाने में बजाए गए सैक्सोफोन पीस के लिए मनोहरी दा के कायल हो गए। बाद में उन्होंने हेमंत कुमार के लिए 1966 की फिल्म अनुपमा और बीवी और मकान में म्यूजिक अरेंजमेंट किया। अनुपमा के गाने क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी में भी मनोहरी ने सैक्सोफोन बजाया था। सट्टा बाजार के सुपरहिट गाने के बाद सभी संगीतकारों की नजर में मनोहरी सिंह और उनका सैक्सोफोन समा गया। सलील चौधरी के असिस्टेंट और अरेंजर रहे सेबेस्टियन के जरिए मनोहरी सिंह की मुलाकात संगीतकार जयकिशन से हुई। सैक्सोफोन पर जादूगरी देख जयकिशन उनके फैन हो गए। इसके बाद तो शंकर जयकिशन की कितनी ही फिल्मों में मनोहरी सिंह ने बांसुरी और सैक्सोफोन बजाया। शंकर जयकिशन की नॉन फिल्मी एल्बम रागा जैज स्टाइल में उन्होंने हिंदुस्तानी राग भी प्ले किए। शंकर जयकिशन ने ब्रह्मचारी और आरजू के अलावा फिल्म प्रोफेसर में कमाल का सैक्सोफोन बजाया है। इसके गाने आवाज देके हमें तुम बुलाओ को याद करें तो गीत बोलों से ज्यादा सैक्सोफोन की लहराती बलखाती धुन जहन में गूंजती रह जाती है। मनोहरी दादा के जादू को अगर देखना है तो इन गानों में सैक्सोफोन की आवाज पर गौर करिएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाता रहे मेरा दिल, रात अकेली है रूप तेरा मस्ताना जैसे कुछ गीत आप मिसाल के तौर पर सुन सकते हैं।
मनोहरी सिंह को संगीतकार प्यारेलाल ऑलराउंडर कहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब धुने बनाते थे तो उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर मुश्किल धुने बनाते थे। मनोहरी दादा के सैक्सोफोन का सबसे अद्भुत इस्तेमाल भी प्यारेलाल ने ही किया। फिल्म अमीर गरीब के गीत मैं आया हूँ लेके साज हाथों में इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसी गाने को मनोहरी अपने करियर की सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण धुन मानते थे, जिसे सुनने पर उनके काबिलियत का अंदाजा लगता है। संगीत के साजों पर मनोहरी सिंह की अद्भुत पकड़ थी। मिसाल के तौर पर अब एक और वाकया सुनिए। फिल्म माया में सलील दा ने एक गीत रचा जिसके बोल थे जारे जारे उड़ जा रे पंछी। इस गीत की शुरुआत की फ्लूट से होती है और कुछ सेकंड बाद ही सैक्सोफोन आ जाता है। उस दिन रिकॉर्डिंग के लिए एक साजिंदे के ना आने की वजह से सलील दा ने ये दोनों साज मनोहरी दा को बजाने की जिम्मेदारी सौंपी। फ्लूट जितनी हल्की फुल्की, सैक्सोफोन उतना ही भारी। लेकिन कुछ देर के रियाज के बाद ही इस काम को मनोहरी सिंह ने बाखूबी कर दिखाया। मनोहरी सिंह ने लगभग सारे बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। मदन मोहन जी के साथ वो कौन थी के अलावा फिल्म हकीकत के गाने, मस्ती में छेड़ के तराना में सैक्सोफोन और फिल्म हंसते जख्म के गाने तुम जो मिल गए हो में की फ्लूट बजाया है। इसके अलावा फिल्म गाइड के गाने तेरे मेरे सपने अब एक रंग में बजाया गया उनका मास्टरपीस भी अद्भुत लगता है। वहीं ओपी नैयर के गाने है दुनिया उसी की में दर्द का ऐसा म्यूजिकल एक्सप्रेशन दिया है मानो दर्द भी इससे तड़प उठा हो। पंचम के गाने वेस्टर्न टच लिए होते थे जिनके लिए सैक्सोफोन जैसा साज लाजमी था। पंचम दा ऐसी शख्सियत थे जो हर काम को अपने अलग अंदाज से करने के आदि थे। मनोहरी सिंह से लोग फ्लूट और सैक्सोफोन बजवाते थे लेकिन आरडी ने उनसे सीटी भी बजवाई। फिल्म शोले और कटी पतंग के गीत ये शाम मस्तानी की सीटी अगर याद हो तो ये कमाल मनोहरी दादा का था। इसी तरह फिल्म प्यार का मौसम में पंचम दा ने उनसे मैंडोलिन बजवाया। जरा याद कीजिए इस फिल्म में मोहम्मद रफी वाला तुम बिन जाऊं कहां, इसमें आरडी ने उनसे मैंडोलिन बजवाया। एक ऐसा साज जिसके उस्ताद हुए या तो महान संगीतकार सज्जाद हुसैन और उसके बाद लक्ष्मीकांत। लेकिन इस गाने में मनोहरी दा ने क्या खूब मैंडोलिन का जादू बिखेरा है। शायद ही कोई बड़ा संगीतकार रहा हो जिसके साथ मनोहरी सिंह ने काम ना किया हो। उन्होंने बहुत से संगीतकारों के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट किया, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, उन्हें असिस्ट किया। इनमें सी रामचंद्र, नौशाद, सलील चौधरी, रोशन, चित्रगुप्त, मदन मोहन, आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय उस्ताद इलैयाराजा के साथ भी काम किया। मनोहरी सिंह अपने समय के सबसे बड़े फिल्म संगीतकारों में ट्रम्पेट पर जॉर्ज, गिटार पर भूपिंदर और अकार्डियन पर कैर्सी लॉर्ड के नाम हर जगह लेते थे। मनोहरी दा ने अपने दोस्त और आर डी बर्मन के दूसरे सहयोगी बासु चक्रवर्ती के साथ मिलकर कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। इनमें सबसे बड़ा रुपया, कन्हैया, जीना है प्यार में और चटपटी जैसी हिंदी फिल्में शामिल हैं। इनमें संगीत के लिहाज से सबसे मशहूर रही सबसे बड़ा रुपया, जिसके कई गाने लोकप्रिय हुए। स्वतंत्र संगीतकार बनने के बाद भी मनोहरी सिंह ने म्यूजिक अरेंजमेंट और सैक्सोफोन बजाने का काम जारी रखा। मनोहरी सिंह ने शुरुआत में तीनों तरह के सैक्सोफोन के साथ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ऑल्टो, टेनर और सेप्रानो में ऑल्टो सैक्सोफोन उनके फुर्तीले स्टाइल के साथ एकदम मैच करता था और ज्यादातर उन्होंने ऑल्टो सैक्सोफोन का ही इस्तेमाल किया। 1969 में मुंबई के संगीतकारों का एक ग्रुप म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए वेस्ट इंडीज, अमेरिका और नीदरलैंड के दौरे पर गया था।
जब ग्रुप न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहां से मनोहरी सिंह ने अपना पसंदीदा सेल्मर ऑल्टो सैक्सोफोन खरीदा, जो कि सोने से मढ़ा हुआ था। उस सैक्सोफोन से उन्हें इतना प्यार था कि वो कभी किसी को भी उसे हाथ नहीं लगाने देते थे। मनोहरी सिंह का एक सोलो सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंटल एल्बम भी आया, जिसका नाम था सॉक्स अपील। इसमें पुरानी हिंदी फिल्मों के गीत शामिल थे। बाद के दौर में भी उन्होंने काम करना जारी रखा। 89 साल की उम्र तक वो हमेशा सक्रिय रहे, स्टेज शो करते रहे। उनके शोज में भीड़ लगती थी। अक्सर बड़े अंग्रेजी अखबारों के विज्ञापन में छपता था कि वो कब और कहां परफॉर्म करने वाले हैं। पंचम की याद में होने वाले प्रोग्राम्स में भी अक्सर उन्हें देखा गया। वो अपनी सुबह की सैर कभी नहीं छोड़ते थे। कम ही लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे कुक भी थे। दुबई में आशा भोसले के रेस्टोरेंट मेन्यू में उनकी कुकिंग स्टाइल वाली मटन रेसिपी परोसी जाती थी। अपने जीवन के आखिरी 3 सालों तक वो डायलिसिस पर थे, पर जज्बा देखिए, डायलिसिस से गुजरने के बाद घंटों सैक्सोफोन बजाते थे। संगीत उनके लिए दवा की तरह था। फिल्म संगीत में योगदान के लिए उन्हें रेडियो मिर्ची ने अवार्ड दिया था और वो ये अवार्ड पाने वाले पहले म्यूजिशियन थे। उस दिन उन्हें डॉक्टर को भी दिखाना था, तो वो घर से सूट पहनकर निकले। पहले अस्पताल गए, फिर अवार्ड फंक्शन में। ये था उनका जज्बा। अपने शानदार करियर में मनोहरी सिंह हमेशा पर्दे के पीछे रहे। संगीत की दुनिया से इतर उन्हें शायद ही कोई जानता हो। इसका दर्द यकीनन उन्हें भी था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फिल्मी गीतों के पीछे के वास्तविक संगीतकार यानी म्यूजिशियंस को भी आगे लाना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठकर संगीत को असल वजूद देते हैं। इसीलिए ये लोग भी संगीत निर्देशकों और गायकों की तरह ही श्रेय पाने के हकदार हैं। ऐसे ही अपने एक कलीग और जाने माने ट्रम्पेटर जॉर्ज फर्नांडिस को वो बहुत पसंद करते थे, जिन्होंने गोलमाल के मशहूर गाने आने वाला पल में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया था। आहत मन से मनोहरी जी सवाल करते हैं कि इसके बावजूद फर्नांडिस के बारे में कितने लोग जानते हैं। इसी मलाल और गुमनामी में 13 जुलाई 2010 को उनकी मौत हो गई। मगर कमाल ये कि उन्होंने अपनी तमाम उम्र में कभी बजाना नहीं छोड़ा। 2003 की फिल्म चलते चलते के लिए भी बजाया, तो 2004 की फिल्म वीरजारा में भी जादू बिखेरा। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में बाकायदा परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे जीवट महान संगीतकार को 100-100 सलाम। अपने 4 दशक के करियर में हिंदी फिल्म संगीत के गोल्डन एरा में उन्होंने ऐसा योगदान दिया है जिसे शायद कभी नहीं भूला जा सकेगा। इस कलाकार को बिहाइंड द कैमरा की पूरी टीम की ओर से मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस अद्भुत कलाकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें। इस पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी शख्सियत की कहानी के साथ। अब मुझे यानी आरजे प्रीति कमल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।